स्टूडेंट, आज क्लास थर्ड में लेसन नंबर 5 लिंक का बुक वर्क हम आगे करवाएंगे। कल मैंने आपको इस चैप्टर 5 का बुक वर्क कराया था, जिसके कुछ पार्ट्स रह गए हैं, उन्हीं पार्टों को हम आगे बढ़ाएंगे और पूरा करेंगे। मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखवा रही हूँ, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा ग रह गया था, क और ख हमने आपको करा दिया, गा रह गया। तो गा में है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए, लिंग बदलकर लिखिए। नंबर 1 है, यानी निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखने हैं हमें। अगर स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग में बदलना है, और पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग में बदलना है। तो सबसे पहले है हमारा नंबर 1 वर। वर का क्या होगा? वधु, स्त्रीलिंग हो जाएगा। नंबर 2 है बहन। बहन का लिंग अगर हम बदलेंगे तो वो भाई। नंबर 3 है पुरुष। पुरुष का स्त्री। नंबर 4 सास। सास का ससुर। नंबर 5 सम्राट। सम्राट का साम्राज्ञी। साम्राज्ञी यानी रानी को कहते हैं, और सम्राट राजा को कहते हैं। भतीजी भतीजा। नंबर 7 नर नारी। नंबर 8 ताई जी। ताऊ जी। नंबर 9 अभिनेता। अभिनेत्री। और नंबर 10 नानी जी। नाना जी। ये हो गए आपके स्त्री, जो कुछ शब्द हैं जिनको स्त्रीलिंग से हमने पुल्लिंग दिया है, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में चेंज किया है। अब आगे है आपका नेक्स्ट पार्ट है, देखिए आप बुक में देखेंगे कि ये हमें पिक्चर दी हुई है, ये एक पिक्चर दी हुई है, इसमें दिया हुआ है नीचे दिए गए चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, उनमें से स्त्रीलिंग व पुल्लिंग की अलग अलग सूची बनाइए। हमें ये पिक्चर दिखाई जा रही है, ये जो चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में से छांट कर जो पुल्लिंग है उनको पुल्लिंग की उसमें लिखना है, और जो स्त्रीलिंग है उनको स्त्रीलिंग में लिखना है। आइए हम उन शब्दों को लिखते हैं, पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग। यानी चित्र में क्या क्या है, चित्र में देखकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की सूची, ठीक है।
ये हो गए आपके पुल्लिंग, यहाँ हम लिखेंगे पुल्लिंग शब्द। तो चित्र में पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं? इसमें है नंबर एक आदमी, नंबर टू लड़का। ये देखिए आपको दिखाया जा रहा है, इसमें आदमी है पुल्लिंग, लड़का है पुल्लिंग, ठीक है, इसमें मोर है पुल्लिंग, बूढ़ा है पुल्लिंग और कुत्ता है पुल्लिंग, ठीक है। अब हम इनको, और ये देखिए ये फल फल फ्रूट है, ये तो आम भी पुल्लिंग है, केला भी पुल्लिंग है, तो इनको हम आपको आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखा रहे हैं। लड़का हो गया नंबर थ्री, नंबर थ्री है मोर, नंबर फोर है कुत्ता और नंबर फाइव है आम। ये हो गए आपके पुल्लिंग शब्द, ठीक है। ये यहां लिखेंगे हम स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग इसमें क्या क्या है? औरत, लड़की, मोरनी, नंबर सिक्स बूढ़ा। मोरनी और गाय ये स्त्रीलिंग है, और चिड़िया स्त्रीलिंग है, और बुढ़िया। ये आपके चित्र में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दिए हुए हैं, जिनको हमने आपके ब्लैक बोर्ड पे राइट किया है। आपको मैंने ये पिक्चर दिखाई, अगर आप बना सकें जैसी भी हल्की फुल्की थोड़ा सा, तो उसमें आप ज्यादा नहीं, तो अगर ये जो हमने लिखे हैं उनकी ही आप पिक्चर बना लें और फिर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा। बाकी मैंने जो आपको ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिखा है आपको अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखनी है, ठीक है। आज का आपका होमवर्क है, होमवर्क है आपका लर्न एंड राइट क्लास वर्क इन नोटबुक। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, आज की कक्षा में इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।